अरे यार, वो तुमने स्क्विड गेम देख ली? नहीं यार, दिन तो मम्मी पापा पढ़ाई के पीछे पड़े रहते हैं। तूने देख ली? अरे हाँ यार, मैंने तो देख ली, जब ही तो पूछ रहा हूँ तेरे से। तेरे मम्मी पापा बहुत सही है, तेरे मम्मी पापा ने तेरे को नेटफ्लिक्स तक का पासवर्ड दे रखा है। सही है बेटा। अरे यार, वो कल मम्मी पापा मेरे बाहर गए थे ना, तो थोड़ी सी देख ली। सारे बच्चे का नो। रुको रुको गाइस, ये बताओ ये अनाउंसमेंट किस बात की हो रही है? बुड्ढा बुलाए क्यों रहा है हम सबको आज? यार कुछ बात हुई होगी इसलिए हमें बुला रहे। वैसे आज मैंने सुबह टीचर्स को बात करते हुए सुना था कि आज स्कूल में हाउस बनाएंगे। अरे यार, वो एनुअल फंक्शन के आगे हाउसेस बनाना होता है ना, शायद वही होगा। अरे यार, ये बोलती है तो समझ में आता है कुछ? भाई ये आसान किया है, अबे इसकी इंग्लिश तेज है, हिंदी कमजोर है इसकी। अगर ग्रुप डिवाइड हुआ तो मैं तेरे ग्रुप में आऊंगी। तुम लोग की बातें खत्म हो गई हो तो चलो ग्राउंड में। सारे बच्चे ग्राउंड में आ जाओ। बच्चों ग्राउंड में आ जाओ सारे। ये किसकी अनाउंसमेंट है भाई? भाई यार, कहीं एग्जाम ना निकाल दे यार। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है उनसे भी बुरा कोई ना निकाल दे। अरे गाइस चिल यार, माना अपना प्रिंसिपल बुरा है पर इतना भी बुरा नहीं है यार। हाउसेस बनवा रहा है। प्रिंसिपल अभी तक रह कहाँ रहा था जो आप हाउसेस बनवा रहा है? अरे जो लास्ट ईयर में बने थे वही हाउसेस बन रहे हैं। यार इस बार तो बहुत सारे गेम्स होंगे फिर। यार कम से कम पढ़ाई से तो पीछा छूटेगा। अरे यार भूल गए हो क्या, प्रिंसिपल ने बुलाया है। चलो गाइस आज बंक मारते हैं, क्या कहते हो? हाँ यार, और सही पढ़ने लिखने मन तो करता नहीं है। सही कह रहा है तू। तुम लोग यहाँ पढ़ने आते हो या सिर्फ बंक मारने आते हो? पर बंक मारने जाएंगे कहाँ? अरे बगल वाली शॉप पे चलते हैं ना, वहाँ समोसे मिलेंगे। और सुनने को मिला कि वहाँ लड़कियाँ भी आती हैं, बैठ के ताड़ेंगे। क्यों, हमारे स्कूल में लड़कियाँ मर गई हैं क्या? तुम लोगों के बीच में भी इतनी सुंदर लड़की बैठी है? अरे तू तो अपनी दोस्त है यार, और वैसे भी अपने को तो बड़ी लड़कियाँ पसंद आती है। चलना नहीं है क्या? मोटा प्रिंसिपल बुला रहा है। तुम्हें क्या लगता है उसके बुलाने पर हम चल जाएंगे? हम तो यहीं बैठेंगे और बंक भी मारेंगे। अरे यार पागल तो नहीं है तू? कामा का पेरेंट्स आ रहे हैं, इसको बुला लेंगे तो बात लग जाएगी। कामा का तुम लोग ना बस ड्रामे ही करते रहोगे। बंक बंक तुम लोगों से नहीं होगा, एक दिन मैं बंक मार के दिखाऊंगी। चलो फिर, रोका किसने है? अबे ये सब छोड़ो और बताओ, तुम सबकी क्लास में क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं भाई, बस वही चल रही है पढ़ाई लिखाई। तुम लोगों को पता है कि मोटर ने क्यों बुलाया है? अरे यार हम लोग को क्या पता होगा, एक काम करते हैं ना, लड़कियों से पूछते हैं, शायद उन लोगों को पता हो। ठीक है, पापा की परियों से पूछते हैं। अच्छा सुनो, पापा की परियों। और तू क्या पापा का गधा? अरे यार बुरा क्यों मान रही है यार? इससे बोलो मुझे इससे बात नहीं करनी। क्या है तुझे, तू मुझे बता, उसको क्यों परेशान कर रहा है? ओए सुन, क्या तुझे पता है प्रिंसिपल ने मैं यहाँ क्यों बुलाया है? अरे यार हाउसेस बनाए जाएंगे क्योंकि हर साल 12 के हाउसेस बनाए जाते हैं। यार इसका मतलब तू मेरे हाउस में आ सकती है? अबे ओए स्कूल के हाउसेस पागल, ना कि तेरा घर। ये क्या लगा रखा तुम सबने, अपने अपने क्लास के अकॉर्डिंग लाइन बना लो। देखिए हमारे स्कूल में हर साल 12 क्लास के हाउसेस बनाए जाते हैं, तो कल से आप सभी लोग हाफ डे के बाद अपने अपने हाउसेस के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो कल से आपको गेम्स भी बताए जाएंगे और अपने अपने हाउसेस के हेड गर्ल और हेड बॉय भी बनाए जाएंगे, और बाकी इन्फॉर्मेशन आप अपने टीचर्स से ले सकते हैं। और जो भी टीम जीतेगी उसको प्रैक्टिकल में 5 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। बताओगे चल क्या रहे हमारे स्कूल में? बच्चों अभी आप सब लोग क्लास में जाओ, आपके क्लास टीचर्स आपको क्लास में बता देंगे। अरे यार सुबह सुबह प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया अपने को?
भाई सैलरी दे रहा है, आना तो पड़ेगा। कैसी बातें कर रहा है तू? अरे यार, इस मोटे का दिमाग का पता नहीं क्या कर रहा है यार। हम टीचर्स को तो वही करना पड़ता है जो प्रिंसिपल बोलता है। अरे यार, आ गया वो मोटा नीचे, देखो। ओए, कैसे बैठा तू? तमीज नहीं है तुझे? सोने आता है क्या यहाँ? क्या हो गया सर, सो ही रहा था, कोई गलती थोड़ी कर दी मैंने। सर, इसका तो काम है पूरे दिन सोना। हाँ, जा एक काम कर, बिस्तर लेके आ जा। फिर वैसे ही हम सच में बिस्तर ला सकते हैं? अच्छा बताओ मैं तेरे को। ओए तू पागल है सर के मुँह लग रहा है। अरे तुझे तो पता है यार, सर के मुँह में वैसे भी नहीं लगते, तू क्यों लग रहा है? भाई वैसे भी सर के मुँह की बीवी लगती है, अब क्या लगेंगे? ओए चुप हो जा सर। और हाँ, तू तेरे से लस्सी मंगाई थी ना, कहाँ है मेरी लस्सी? सर आप मेरे बुआ के पति लगते हो जो आपकी लस्सी लाऊं मैं। चुप हो जाओ सब। आज प्रिंसिपल ने कहा था कि हाउस बनाना है, तो आप सबका हाउस का नाम है मुरादाबाद। मुरादाबाद? सर हमने अपना हाउस मुरादाबाद जाके बनाना है। अबे पागल आगल हो गई क्या, दिमाग नहीं है क्या? क्या बोलो तुम सबको, सारे बच्चे गेम्स के लिए आ जाना। ओके सर, बाय। अबे उठना। क्या यार, तुम लोग को सुबह सुबह सोने भी नहीं दे रहे, नींद खराब कर दी, बताओ क्या हो गया? अबे साले अपना होलिया तो ठीक कर ले, प्रिंसिपल की अनाउंसमेंट है, तेरा ये भी होलिया बिगाड़ देगा। गाइस ये किस चीज की अनाउंसमेंट हो रही है, बता तो सही मुझे। अभी 10 मिनट रुक जा, अभी ग्राउंड में जाके पता चल जाएगा मोटे प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया। ग्राउंड पे चलो, सारे बच्चे आ गए होंगे। अरे तुम दोनों में से कोई बगल वाली क्लास में जाके पूछ लो ना, क्यों बुलाया सर ने ग्राउंड में। साले तू तो ऐसे घबरा रहा है, तूने ऐसे प्रिंसिपल की बीवी छेड़ दी और उसने तेरा पकड़ लिया। छोड़ो ये सब, कुछ अच्छा भी सोच लिया करो गाइस, वैसे भी हम हर चीज में हमेशा लेट ही होते हैं। हाँ, पढ़ाई में भी हम ही लेट, और अब चल के जाना है उसमें भी हम ही लेट। तुम घरों से कुछ नहीं होने वाला यार, चलो चलते हैं ग्राउंड में, चलते हैं चलो। अरे वो आशिक, ये हाथ वाथ छोड़ दे, टीचर आ रहे हैं, देख लिया ना, ये स्कूल है कोई पार्क वार्क नहीं है, हाथ छोड़ जल्दी। क्या चल रहा है ये सब? तुम लोगों को तमीज नहीं है क्या, स्कूल पढ़ने आते हो क्या, ये सब करने आते हो? अरे सर क्या हुआ, सुबह सुबह बीवी से लड़के आए हो क्या? अरे इनकी बीवी ने तो पहले ही नहीं घर से निकाल दिया, तभी तो स्कूल में हाउसेस बन रहे हैं। तुम लोग पढ़ाई नहीं करते ना, इसलिए स्कूल में हाउस बन रहे हैं। सर आपको सच में लगता है कि हाउस बनने से हम लोग पढ़ाई कर लेंगे? चलो बता दूं, वैसे तुम्हारे हाउस का नाम जौनपुर है। सर वैसे बता दो तो हमें हाउस में क्या होगा? कुछ नहीं, बस तुम लोगों से गेम्स खिलवाएंगे। सर चलते हैं ना फिर, अभी गेम खेलने। अबे वो नीचे बैठ जा, खिलाऊं अभी गेम तेरे को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। थैंक यू सर। तो सभी बच्चों सुनो, जैसे कि प्रिंसिपल सर ने कहा कि आपके हाउसेस बनेंगे, तो मैं आपको हाउसेस में सेलेक्ट करने आया हूँ। सर हम इसी हाउस में रहना होगा क्या? तेरे पास दिमाग है कि नहीं, या फिर घर पर ही छोड़ के आया है? अबे इतने बड़े हो गए तुम लोग, तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नाम की चीज है या नहीं? अरे सर जी, हमारे अंदर इतना दिमाग होता तो 3 साल से इसी क्लास में थोड़ी ना पढ़े होते। अरे बच्चों वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हें सही हाउस में सेलेक्ट किया है। सर जी बताओ तो कौन सा हाउस है? तुम लोगों के हाउसेस का नाम है? अरे सर जी बताना कौन सा हाउस है, इतना वेट क्यों करा रहे हो? तुम्हारे हाउस का नाम है मिर्जापुर। सर मिर्जापुर, मिर्जापुर तो वेब सीरीज का नाम है। पर सर हमें इसमें करना क्या होगा? अरे कुछ नहीं, हम तो हैं मुन्ना भैया। अरे चुप करो तुम सारे के सारे, तुम्हारे गेम्स होंगे बाकी हाउसेस के साथ, बाकी की डिटेल्स तुम्हें कल मिल जाएंगी। तो मेरे टॉपर प्यारे बच्चों, आजकल तुम्हारे मार्क्स कैसे कमा रहे हैं? हम क्या करें, तो दिन रात पढ़ते हैं लेकिन हमारे मार्क्स ही नहीं आ रहे। मैं तो तुम्हें पूरे तन मन से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? सर जी आप ही बताइए क्या कर सकते हैं हम। फिर क्या करें, पनिशमेंट दे तुम्हें या पेरेंट्स को बुलाया जाए? आप ही कुछ कर सकते, कुछ सॉल्यूशन दीजिए ना। सॉल्यूशन तो तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं भी गोरखपुर का और तुम सब भी गोरखपुर के, मैं चाहता हूं मेरी तरह तुम भी टॉप करो। सर आपने बताया नहीं प्रिंसिपल सर ने सुबह क्यों बुलाया था। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि सर ने सुबह तुम्हें क्यों बुलाया था। तो सर बताइए ना जल्दी, लेट क्यों कर रहे हो? सर जी को स्कॉलरशिप मिलने वाली है क्या?
देखो बेटा ऐसा कुछ ही नहीं है, मैं भी गोरखपुर का, तुम भी गोरखपुर के, राइट? यस सर। हमारे स्कूल में बनाए जा रहे हैं हाउस और जिसमें होंगे गेम्स। पर सर हमारा उससे फायदा क्या होगा? बेटा फायदा तो सिर्फ तुम्हें मार्क्स का होगा, बाकी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, बाकी सब मैं तुम्हें ग्राउंड में बताऊंगा। सर हमारे हाउस का नाम क्या है? गोरखपुर। तो बच्चों गेम शुरू होने वाला है, तो फर्स्ट गेम हुआ गोरखपुर और मिर्जापुर के बीच, और उस फर्स्ट गेम का नाम है खो खो, और जो टीम इस गेम को जीतेगी उसको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे प्रैक्टिकल में। सब तैयार हो इस गेम के लिए? यस सर। और ये मत भूलना कि टीचर की नजर तुम पर नहीं है, और जिसने भी चीटिंग करी उस टीम को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आ जाओ मिर्जापुर और गोरखपुर। अरे टीचर्स क्या कर रहे तुम लोग? अपने ग्रुप के बच्चों को देखो, चीटिंग कर रहे हैं ये लोग। अरे यार ये तो आउट ही नहीं हो रहा है, क्या करे? हाँ यार तू सही बोल रही है, रुक जा कुछ करते हैं। अरे सुन। हाँ बोल। जब ये आएगा तो इसके पैर पकड़ लिया, ठीक है? हाँ यार तू सही बोल रहा है, ये आउट तो हो नहीं रहा, चीटिंग करनी पड़ेगी। आउट 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 सर आउट है। बहुत बढ़िया मिर्जापुर टीम, वेल डन। यार हम लोग तो हार गए। जाने दो यार, हार जीत तो चलती रहती है। उन्होंने जीतने के लिए चीटिंग करी है। अबे छोड़ना यार, इस बार हारे अगली बार हम जरूर हराएंगे। और अगली टीम है जौनपुर और मुरादाबाद। नेक्स्ट गेम है ऊंची कूद। ओह नो। बढ़िया खेलना बच्चों, टीचर की नजर तुम पर है। आउट है, आउट है सर, आउट है, आउट है। सर इन लोगों ने चीटिंग की है। क्या हो रहा है ये सब? सर कुछ नहीं, झूठ बोल रही है ये। तुम लोग चीटिंग करके अगला मैच जीत जाओगे? हाँ हाँ सर, अगला गेम भी ऐसी जीत जाएंगे चीटिंग करके, दिक्कत क्या आ रही है इसमें? चलो स्कूल के बाहर मिले चीटिंग करो तुम्हें हम सिखाएंगे। सुन हम तो चीटिंग करेंगे, और ये धमकी ना अपने बाप को दियो जाके। सुन ना बाप पे मत जा, नहीं तो यहीं पटक के मारूंगा भी। ओए ज्यादा जवान लड़ाने आ रही है, लास्ट चांस दे रहा हूँ, फिर से गेम स्टार्ट करो। तो नेक्स्ट गेम होगा जौनपुर और मिर्जापुर के बीच, और अगले गेम का नाम है रुमाल झपट्टा। ओए वो देखो सलमान खान, ऊपर देख सलमान खान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। कुछ बच्चों ने मेहनत करी और कुछ ने चीटिंग करी, लेकिन आज की टीम जीती हुई है मिर्जापुर, और टीम को 5% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे प्रैक्टिकल में। कांग्रेचुलेशंस। हे एवरीवन, दिस साइड रॉकीज, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेलिब्रिटी फेज इंडिया, एंड गाइस बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए अपनी एक्टिंग करियर स्टार्ट करने के लिए। सेलिब्रिटी फेज के बैक टू बैक न्यू वेब सीरीज आ रही है, स्कूल के बेस्ट डेज आ चुका है, फादर एंड सन की स्टोरी आ रही है, मेरी एक्स एक ऑलरेडी रनिंग है, 3-4 और वेब सीरीज में हम काम कर रहे हैं, और उन सब पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है काम करने की। यहाँ पे आपको डे वन से ही हम एक्टिंग कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो, बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग, मिस्टेक्स और सारी चीज़ें। हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में। सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो सर डायरेक्टली वेब सीरीज से। फटाफट नीचे दिए गए नंबर पे अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेज की टीम से कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं सेलिब्रिटी फेज की नेक्स्ट वेब सीरीज में। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल।